जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त भरत सिंह, स्वागत है आपका क्षत्रिय प्रणाम में। दोस्तों, मुझे कुछ ही देर पहले, अभी यानी कुछ ही मिनट्स पहले एक कॉल आया जो अपना नाम सुल्तान बोलकर बता रहा था और उन्हें मेरे को एक ऑफ़र करा। ऑफ़र क्या कि मुझे तेलंगाना का एजेंट बना देंगे और मुझे तेलंगाना में मुदगर लोगों को बेचना है और वो भी फुटपाथ पर लगा कर। फुटपाथ पर लगाने से मेरी बिक्री कम से कम 25 लाख की बता रहा उन्हें। उसके बारे में मैं थोड़ा जानने के लिए कोशिश कर रहा तो वो बता रहा कि मैं हैदराबाद भाग्यनगर से हूँ। और जब मैंने मेरा आता पता बताया और उसका आता पता पूछा, कई सारे बातें हुई जो कि आगे चल के आप ऑडियो में सुनेंगे। तो मेरे को इतना 25 लाख का टारगेट बताया उन्हें कि हमारा एक एक एजेंट 25 लाख रुपये कमा रहा है और हम इतना इतना बनाते हैं। मुझे मुदगर यानी जो मुदगर है वो 90 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगा और मुझे उसे बेचना है, यानी 80 से 90 रुपये में मुझे मिलेगा और मुझे उसे बेचना है 150 में, 160 बोलने का, 140 में बेचने का। 140 तक भी बिक गया तो आपको सीधा सीधा प्रॉफिट ही है 50 रुपये, ऐसा वो भाई साहब मेरे को बता रहे थे। ठीक है, मैं थोड़ा इंक्वायरी करा कि उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या उन्हों मुदगर के बारे में कितना जानते हैं, नॉलेज कितना है उनको मुदगर का। मैं थोड़े सवाल करते कि उन्होंने खुद ब खुद सरेंडर हो गए कि हमारा फर्नीचर का बिज़नेस था और हम लोग लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोग जिम को नहीं जा रहे थे, लोगों के पास कुछ करने का सुविधा नहीं थी, यानी खुद को उन्हें गौरव फील कर रहा, खुद पर उसको गर्व हो रहा कि मैंने इतने लोगों को एक्सरसाइज कराया। जब मैं पूछा कि तुझे एक्सरसाइज आती है क्या, और अगर कोई कस्टमर पूछता है तो उसको क्या बोलना, तो वो भाई साहब बताते कि नहीं, हम ये वीडियोस बता देते, ये वीडियोस आपको भी मैं शेयर कर दूंगा, ये वीडियोस बता देने का। मैं बोला गवर्नमेंट से इसका कुछ टैक्स वगैरह भी तो बनते होंगे आप, तो नहीं, ये महाराष्ट्र में इसकी लकड़ी अनंत है, यानी अनलिमिटेड लकड़ी है हमारे पास बबुल की, और हमारे को टैक्सेस कुछ भी नहीं लगता, फुटपाथ के ऊपर भी नहीं लगता। आपके पास लगता क्या? हमारे पास तो नहीं लगता, हमको पुलिस का टेंशन नहीं, हमको किसी चीज़ का टेंशन नहीं। और साथ ही साथ उन्हें मेरे को ये भी बताया कि हैदराबाद में मुदगर नहीं बिकेगा क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम। दोस्तों, शर्मानी चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन हमें गर्व है कि हमारा आज क्षत्रिय प्रणाम का परिवार इतना बड़ा हो गया कि इसके अंदर आज हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख है, क्रिश्चियन है, यानी पूरा हिंदुस्तान हमसे जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे शर्म आती कि ऐसे लोग एक्सरसाइज, अरे यार, किसी का ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, एक बार अगर कोई लंगोड़ पहन लिया तो उसकी जात सिर्फ पहलवान, लंगोड़ पहन लिया बस उन्हें पहलवान, ना उसका नाम ओम, ना ओमकार, ना उमर, समझ में नहीं आता तुम लोगों को। तो दोस्तों, वो महाशय मुझे इतना इतना ऑफ़र करे, मैं उनसे पूछा कि अमेज़ॉन पे यानी ऑनलाइन भी बेचते हो क्या आप? नहीं, जो हमारे पुणे के क्लाइंट से, जो हमारे यहाँ के क्लाइंट से, वहाँ के क्लाइंट से, वो लोग अपनी वेबसाइट में डालकर इसकी बिक्री अच्छे से कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आपको भी हम दिला सकते, आपको थोड़ा एडवांस पे करना रहेगा, उसके बाद में हम ट्रांसपोर्ट से भेज देंगे इसको पैकिंग वगैरह करके। मुदगर के शेप के बारे में पूछा, वहाँ पर गलत गया, वो मुदगर के ऊपर ग्रिप क्यों आता वो पूछा, वहाँ पर फैल गया, यानी उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हमको इतना नॉलेज नहीं है मुदगर के बारे में, हम लोगों को बस लॉकडाउन की वजह से हम आगे चल गए। मैं बोला शर्म आनी चाहिए यार आपको, ये एक कला है, भारत की संस्कृति का एक हिस्सा है, खुद में संस्कृति में शामिल है, और आप लोग ऐसे मत करो, मैं ये आपकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डालूँगा। तो मुझे धमका रहे हो क्या बोल के पूछता हूँ, बाद में मेरे को धमकी दे दे लाओ ने, आगे चल के आप सुन लीजिएगा। तो दोस्तों, कुछ तय तो मिली अपने को कि ऑनलाइन पे जो आप मुदगर खरीद रहे, पेंटेड पॉलिश से याद आया, मैं पूछा इसको पॉलिश लगा के क्यों रखते हैं आप लोग, तो महाशय बता रहे हैं कि दूर से दिख जाता है हमारे कस्टमर को मुदगर की चमकता हुआ है और इसको लोग अभ्यास नहीं करते, ज़्यादातर इसको घर में ले आके शो पीस की तरह लगाते हैं। मतलब ये तो अखाड़ों में हम लोग इसकी रख के पूजा करते हैं, इसको पवित्र चीज़ मानते हैं, और आप इसको ऐसा फुटपाथ पे क्यों रख रहे? नहीं, इसको लोग करने से ज़्यादा शो पीस की चीज़ बना के रखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ऐसा वो भाई साहब का बोलने का था, बोलने का तरीका ये था, वीडियो के ऑडियो रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं इसको। तो दोस्तों,
हेलो नमस्ते सर। हेलो नमस्ते, जय हिंद, जय महाकाल। हाँ महाकाल बोलिए सर। हाँ कहाँ से हो आप सर? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, तेलंगाना भाग्यनगर। उधर से हो क्या? तो मुदल बिक्री होता है उधर ज्यादा क्वांटिटी में? हाँ होता है क्या बिक्री? हाँ होता है उधर? हाँ जी, मुदल का बिक्री होता है क्या? हाँ होता है ना। अच्छा, तो हम लोग का मतलब हम लोग का आदमी आने वाला था उधर बेचने के लिए। हम लोग इधर इधर हम लोग का आदमी इधर बेचता है पुना, अपने आपको डाला ना पुना, नागपुर, कोल्हापुर, सोलापुर, सातारा, सांगली। हाँ इधर पे हम लोग का मुद्दल बिकता है। अच्छा, तो अगर आप उधर पे चालू करते होंगे जैसा हम लोग ना रोड पे रखकर बेचते हैं ये साधन। हाँ तो आप अगर चालू करते होंगे तो आपको होलसेल में मिलेगा मेरे पास से बबूल का लकड़ी में ओरिजिनल। अच्छा उसका वेट वगैरह कम नहीं होता है। हाँ। और पॉलिश फिनिशिंग वगैरह तो आपने देख लिए, फिनिशिंग वगैरह एकदम, तो जैसा कि 5 साल तक भी उसका पॉलिशिंग वगैरह ये वो आउट नहीं होता है, उसका खराब नहीं होता है। अच्छा। और हमारे पास में केजी से मिलता है, किलो से। और हाँ जैसा मुद्दल लेंगे आप, मुद्दल जो रहता है ना वो मुद्दल लेंगे आप तो हमारे पास में 19 रुपए केजी से रहता, 90 रुपए किलो। और जो हनुमान जी का गदा है वो मिलता है हम लोग के पास में 140 रुपए किलो। अच्छा। केजी से मिलता है हमारे पास में, वेट वगैरह होके पूरा वेट गिन के फिर आपको वेट से मिलता है, आप वेट से बेच सकते हो। हाँ हम लोग का वन टाइम में जैसा एक जगह पे जाता है 2 टन 1.5 टन ऐसा जाता है गाड़ी में। कहाँ कहाँ बेचते हैं आप? बताया ना आपको, पूना, नासिक, मुंबई, सातारा, सांगली, कोल्हापुर। मेरा नाम सलमान है। सलमान, मैं औरंगाबाद से हूँ। हाँ औरंगाबाद से हूँ। और मतलब हम लोग का जो पूना वाली पार्टी है, बॉम्बे वाली पार्टी है, इन लोग जैसा आप आपसे कांटेक्ट किया ना वैसा उन लोग से कांटेक्ट था मेरा, तो फिर उन लोग बेचते हैं, मतलब बंदे लोग लगाकर, बच्चे लोग लगाकर बेचते हैं। तो हाँ उनका ऐसा बिक्री होता है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमाई भी बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ हाँ कमाई भी बहुत अच्छी है। और हम लोग का ऐसा है कि जैसा डायरेक्टली ए वन टाइम में एक टन 2 टन 3 टन जिस जैसा आपको माल चाहिए उतना माल रेडी करके देते हैं हम लोग। अच्छा। क्योंकि हम लोग के इधर लकड़ा जो है ना तो सस्ता है, इसके लिए हम लोग के पास से बना के ये लोग लेते हैं और उधर पे बेचते हैं। जैसा तुम लोग के इधर घनफिट ज्यादा घनफिट से मिलता है ना? हाँ और हम लोग के इधर कम घनफिट से क्योंकि लकड़ा ज्यादा है। अच्छा। उस हिसाब से मैं हाँ मैं जैसा कांटेक्ट करता हूँ और ऐसा आपका भी व्हाट्सएप पे यूट्यूब पर से लिया था कांटेक्ट, आपसे कांटेक्ट किया मैंने। अच्छा जी। तो आप इंटरेस्टेड है उधर भेज सकते हो तो आप मेरे को बताओ, मैं फिर माल भेजता हूँ, आप भेज सकते हो। आपके पास 2-4 बंदे लोग रहेंगे रोड पर भेज सकते है? रोड पर? हाँ 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 बिंदास रोड पर बिकता है ये सब, हम लोग के पूरे रोड पर ही दुकानें हैं, मतलब रोड पर लगाते हैं। पुलिस वालों से अगर कुछ परेशानी तो नहीं ना आप लोग के इधर पुलिस का? नहीं तो ये जंगली बबूल का लकड़ा है ना, मतलब आप लोग के इधर ये है क्या क्या बोलते हैं इसको जो ये रोड पर से उठा लेते पुलिस वाले? पूरा होता ना भैया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में होता है, मालूम ना कैसा रहता टेले वालों का? नहीं अरे नहीं बॉम्बे, अब आपको बॉम्बे पता है बराबर? हाँ पता है। बॉम्बे जैसा सिटी में बेचते हैं हम लोग के बंदे। हाँ बॉम्बे जैसा सिटी में बेचते हैं, वो मैनेजिंग करना पड़ता। कुछ प्रॉफिट मिलेगा क्या? हाँ अरे आपको प्रॉफिट रहेगा जब ही करेंगे ना आप। कैसा? जैसा मेरे पास 90 रुपए किलो 90 रुपए किलो से आप लेंगे तो आप 150 रुपए किलो से बेच सकते हो उसको। अच्छा। 150, 160 ऐसा बेच सकते हो। फिर आपका जैसा अभी वो साइड जो आपका साइड है ना वो साइड में किसी ने भी ये धंधा स्टार्ट नहीं किया। अच्छा। और हाँ जो अभी हमारा पूना वाला पार्टी है उसने कम से कम मैं आपको बोलता हूँ 24 से 25 लाख रुपए कमा लिया उसने इसमें। क्योंकि हाँ हाँ सर क्योंकि नया आइटम है ना। हाँ नया आइटम है, रोड पे रख के बेचे ना तो मतलब बहुत ज्यादा, आपने ऑनलाइन में ज्यादा बिक्री नहीं है इसकी, रोड पर रख के बेचेंगे ना तो बहुत ज्यादा बिकता है, बहुत ज्यादा। अच्छा। जितने भी मैं आपको ना वीडियोस डालूंगा और ये हमारे फोटोज डालूंगा जो रोड पर बेचते हैं हम लोग के बंदे,
हाँ तो आपका बिक्री अच्छा होएगा, और वो साइड में किसी ने भी स्टार्ट नहीं किया, बोलने का मतलब वो साइड ऐसा रहेगा, अगर आप मेरे से लेते हो तो आपको ही पूरा माल मिलेगा, किसी और को माल मिलेगा भी नहीं। आपका धंधा देख के अगर किसी ने चालू करना की कोशिश की तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग देते ही नहीं है, देते ही नहीं हम लोग, एक जन को दिए तो एक ही जन को देते है, बाकी सब एजेंसी टाइप है, फ्रेंचाइजी टाइप। हाँ सर, तो तेलंगाना का मेरे को मिलेगा? तेलंगाना का आपको मिलेगा, तेलंगाना हैदराबाद जिधर आपको करना है, हैदराबाद में नहीं मिले बिकेगा वो, हैदराबाद में जैसा सीधी सीधी क्लियर बात करता हूँ मैं, क्योंकि मोमेडियन हूँ और मोमेडियन एरिया में नहीं बिकता है वो ज्यादा। क्यों सा? नहीं नहीं ज्यादा नहीं बिकता है वो, एक्चुअली बिकेगा मतलब इतना नहीं जैसा तुम लोग जितना यूज करते है ना इसको, हाँ वैसा ज्यादा इसमें नहीं होएगा वो हैदराबाद में। आप तेलंगाना साइड इधर साइड में कर सकते हो, उसको बेच सकते हो। तेलंगाना का स्टेट है भाई, तेलंगाना का कैपिटल सिटी है हैदराबाद। हैदराबाद है ना, तो आप कर सकते हो, आपको जैसा आप उधर के हो, आपको उधर का पता है, मेरे को नहीं पता है ना, मैं एक्चुअली एक भी बार नहीं आया उधर पे। तो ये क्या मोमेंट इन मतलब, जैसा कि अपने सिटी ऐसी चाहिए इसको कि दोनों भी रहना है, दोनों तीनों रहना चाहिए, मतलब मोमेडियन भी ये भी वो भी सब मिक्स रहना चाहिए, तो इन लोग खरीदते हैं। अभी ये जैसा स्पेशली आप मोमेडियन एरिया में लगाएंगे तो फिर नहीं बिकेगा, आप एरिया देख के लगाना आपके हिसाब से, बिक्री आपके हिसाब से करना, वो आपको बेचेंगे जब समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना है कि रोड कैसा मतलब फुल पेमेंट देना पड़ता है? नहीं फुल पेमेंट नहीं, नहीं 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 सर फुल पेमेंट नहीं, तो थोड़ा बहुत एडवांस डालना पड़ेगा, फिर वो आपके पास माल आने के बाद में पूरा, या फिर आप इधर आते इधर से आके लेकर जाते तो भी चलेगा। ट्रांसपोर्ट से आएगा वो, अपने को ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट वाली जो गाड़ी रहती ना उनसे बात करना पड़ेगा कि कितना भाड़ा लोगे क्या लोगे। एग्जैक्ट लोकेशन किधर है? मेरा हाँ? मेरा क्या सर? औरंगाबाद। औरंगाबाद हाँ सर, औरंगाबाद। औरंगाबाद में अपना हरसुल, हरसुल 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 जेल है ना, उसके पीछे अपना पूरा आपको मतलब बता दूंगा मैं अपना। मेरे पास में मशीनरी, ये जो आपने मुद्दा डाले ना, ये मशीनरी मेरे पास 8 मशीनरी है। हाँ 8 मशीनरी, 8 बंदे लोग काम करते है मेरे पास में। अच्छा जी, कितना माल प्रोवाइड करा सकते हैं आप? जैसा आप बोले 15 दिन में, मैं इधर पे ना समझो एक जन को 15 दिन में 2 टन देता हूँ, और उनका बिकता है। हाँ 15 दिन में 2 टन और उतना उनका, उससे ज्यादा बिकता है उनका। अच्छा हाँ, वो लोग किसी से नहीं ले सकते और मैं किसी और को नहीं दे सकता, ऐसा है बड़ा माल। 2 टन मतलब कितने लाख का माल हो जाएगा ये? मैं देखो आपका माल आपको बताता मैं, एक सेकेंड ना, से ये 1,80,000 रुपए का हो रहा। तो मेरी इनकम कितनी है इसमें? मैं बताता आपको, ये 150 से भी बेचते हैं अगर आप जी, तो आपको 3 लाख रुपया बन रहा है, मतलब 1,80,000 का माल और बन रहा है 3 लाख इसमें। 2,20,000, 1,20,000 की प्रॉफिट मेरे को, प्रॉफिट 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए, 20,000 रुपए तो इधर उधर समझो खर्चा बिर्चा ट्रांसपोर्ट इधर उधर, 1 लाख की कमाई है। मतलब हम लोग के जो मैं बता रहा ना आपको, 24-25 लाख रुपए हम लोग का ये पूना वाला पार्टी ने कमा लिया। और कैसा है मालूम क्या, लकड़ी जो है ना हम लोग के इधर पे खत्म नहीं होता है, आप हम लोग के इधर लकड़ी बहुत है, बहुत बोले तो बहुत, लाइफ में खत्म नहीं होगा। अच्छा। और आप लोग के साइड में महंगा मिलता है वो घनफीट से, हम लोग के साइड में हम लोग का ये हम लोग डायरेक्ट ये खरीद तो लेते। इसका फिर कच्चा बिल रहता है या पक्का बिल रहता? बिल कच्चा रहता, हाँ बिल कच्चा रहता, क्योंकि इसका ये जंगला लकड़ा है भैया। अच्छा। ये जंगली लकड़ी है, इसको कोई रोक टोक नहीं रहता है। ये थोड़ा कॉस्टली रहता है लेकिन बिल के साथ देते है हमारे को, चलेगा आपको बिल के साथ दे दूंगा मैं आपको, फिर जैसा अपने को GST वगैरह खर्चाएंगा, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ उसमें क्या है वो, लेकिन वो कैसा रहता है मालूम है क्या, जंगली लकड़े को कोई रोक टोक नहीं रहता है, कोई ये नहीं रहता है, तो सागवान का रहेगा या फिर तुम्हारा शीशम का रहेगा। मुदगल सागवान में बोले तो महंगा, बहुत बहुत कॉस्टली रहेगा ना, ना वो। नहीं बनता नहीं, हल्का रहता है एकदम, हल्का बनेगा और बनता भैया। हेलो बनता नहीं, बनता बोल के नहीं, नहीं बनता बोल के नहीं,
हाँ यूजलेस है, लाइट वेट हो जाता है एकदम। लाइट कितना वेट बड़ा होता है लेंगे, ना। इतना बड़ा लेंगे तो जैसा अच्छा बबूल कई का। सारे सब्सक्राइबर्स मेरे को पूछते हैं कि मुदगर का वेट कैसा बढ़ाना, तो वेट बढ़ाने के लिए कुछ है आपके पास? वेट बढ़ाने के लिए तेल लगाना पड़ता सरसों का। तो लेकिन इसको आप पेंट और पॉलिश लगा दे रहे ना ऊपर से। अभी जब स्टार्टिंग रहता ना, अपन जब बेचेंगे रस्ते में तो पॉलिश होना जरूरी है उसको। कैसा डायरेक्ट लकड़ा लकड़ा तो नहीं बेच सकते अपन, ठीक है। हाँ पॉलिशिंग वगैरह हम लोग का ऐसा रहता है कि दूर से लोग जो है ना, तो मुद्गल व्यायाम के लिए कम, और आपको बोलता मैं जो रखने के लिए लेकर जाते ना, मतलब रखने के लिए बोले शोपीस। तो शोपीस, तो उसके लिए ज्यादा लेकर जाते हम लोग के। हाँ क्योंकि हम लोग के डिजाइनिंग ही कुछ अलग है, और जितना माल बोले उतना बनता हम लोग के पास में। और हाँ, और जैसा आप डिजाइन बोलेंगे वैसा बनेगा वो। अच्छा जैसा आपने बताया ना यूट्यूब पर, जैसा भी बताया, वो बॉटल डिजाइन है ना, वो तो हमारे स्पेशल है सर। हाथी की सूंड वाला बॉटम। हाथी की सूंड वाला बॉटल जो डिजाइन है ना, तो वो हमारा स्पेशल है। मतलब जैसा कि 2 टन में मुद्दल जाता है 500, तो 500 में हमारा 300 मुद्दल बॉटल रहता है, बॉटल शेप। अच्छा, हाँ हाथी की सूंड वाला और वो जो लंबा बैट की तरह था उसको क्या शेप बोलते हैं? तो कौन सा शेप? मैंने देखा उसको जो राउंड कटा के एकदम सीधा आता ना, लंबा बैट वाला। राउंड कटा के एकदम नीचे से बड़ा और ऊपर एकदम छोटा आता है, हाँ जो मैं देखा नहीं, आप मेरे को सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे। ये नहीं, जो आप मुदगर बना के लंबी डंडी दे रहे हो ऊपर, हाँ। उसको क्या बोलते हैं यार? सब अलग अलग डिजाइन रहते हैं, एक चूड़ी वाला, अच्छा वो चूड़ी वाला। हाँ चूड़ी वाला, और ये जो ग्रिप और कने, आप जहाँ पर अपन मुदगर पकड़ते हैं पकड़ते वहां ग्रीप रहती पूरी, हैंडल तो रहता, ग्रिप से हाथ अपना जख्मी हो सकता ना? सटकता नहीं है, ग्रीप रहेंगी ना तो हाँ सटकता नहीं उससे हाथ। नहीं सटकता, मैं एक बार ट्राई करके देखा, मैं हाँ सटकता नहीं ठीक है, लेकिन अपने हाथ जख्मी हो जाता। हाँ कौन सा बता रहे हैं आप? जैसा आप हाथी की सूंड वाला बोल रहे हैं ना। कोई भी रहने दो, जो आप ग्रिप के ऊपर लाइंस डाले ना, चूड़ी हाँ। जो लाइंस कट डाले, 1 2 3 ऐसा कटन डाले ना, हाँ, कट डाले। उससे तो अपना हाथ जख्मी हो जाता। नहीं, वो आप बोलेंगे एक को भी नहीं आना चाहिए, तो आपको एक एक भी नहीं आएगा। हाँ मतलब मेरी सहूलत के हाँ हिसाब से बना के देंगे। वो आप जैसा बोलेंगे, जैसा डिजाइन बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा। ग्रीप वगैरह नहीं चाहिए तो ग्रीप वगैरह नहीं डालेंगे हम उसको। हाँ मैं चलू, अरे कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा? ये जैसा कि आपका ऑर्डर जो है तो 4 5 दिन पहला 10 दिन पहला ही डालना पड़ता है, जैसे आपकी बिक्री के हिसाब से। और पेमेंट का मोड क्या रहेगा? पेमेंट का मोड आपके पास में आने के बाद पूरी पेमेंट, नहीं कैसा पे करना पड़ेगा? ये स्टार्टिंग में आपको जैसा थोड़ा बहुत देना पड़ेगा एडवांस में। नहीं, वैसा नहीं बोल रहा मैं, कैसा देना एडवांस? गूगल पे, फोन पे या हाँ बैंक गूगल पे, ट्रांसफर? फोन पे, बुक गूगल पे, फोन पे, बैंक ट्रांसफर कैसा भी कर सकते हैं आप यही उसमें। नंबर है आपका? हाँ यही नंबर है। लेकिन ये कितना सर्विस देंगे आप लोग, कितने साल तक चलेगा? ये जो है तो हमारा जो मुद्दल रहता, ये लॉन्ग टाइम है। ये बबूल का बोले ना, बबूल को सिर्फ छाव में रखे ना, छाव में मतलब कस्टमर को जब बेचे ना अपन, तो कस्टमर को सिर्फ इतना बोलने का, सिर्फ इसको छाव में रखने का घर में, हाँ? और इसको तेल लगाने का बाद में, पॉलिश निकलने के बाद, क्या 3 साल 2 साल के बाद में। 2 3 साल के दो बाद तीन में साल तो मेरी पॉलिश? पॉलिश ही नहीं निकलती सर उसपे से। कितने साल? 2 3 साल तो पॉलिश ही नहीं निकलती मेरी उसपे से। हाँ क्योंकि हम लोग मशीनरी के ऊपर पॉलिश करते हैं, अच्छा पूरा ऐसा हाथ मशीनरी से किधर भी कर दे रहे वैसा नहीं है वो। तो मिनिमम मशीनरी कितने साल? अपने को लोग पूछते हैं कि कितने साल चलेगा बोलकर। ये कम से कम सामने वाले को 20 साल 15 साल तो बोलना ही है आपको, ऐसा बिंदास बोलने गारंटी। का? हाँ क्योंकि उसको कुछ होता ही नहीं ना, लकड़ा है वो, और बबूल का मजबूत लकड़ा है। हाँ और माल बोले तो ऐसा रहता, क्वालिटी में रहता ना, तो सामने वाले शोपीस के लिए भी लेकर जाते हैं और यूज करने के लिए भी लेकर जाते हैं। और हनुमान गदा तो बहुत ज्यादा बिक्री होता है, तुम लोग के इधर पे तो हनुमान गदा इतना बिकेगा ना, अच्छा क्या बताओ आपको। क्योंकि हम लोग के आदमी लोग आने वाले उधर, आने वाले थे उधर बेचने के लिए। तो मैं आपका देखा ये लोकेशन वगैरह, आप उधर से हो, तो मैं सोचा आपसे कांटेक्ट करना, आप अगर इंटरेस्टेड है बेचते हैं, अगर आपके पास में बिक्री सही है बात हो, उतने। लेकिन इतना इनकम इसमें बोलकर नहीं सोचा था।
हाँ नहीं, इनकम अच्छा है सर उसमें। 150 रुपए किलो भी अगर अगर आप लगाते तो मेरे पास से 1 किलो से लेकर आप ऑर्डर दे सकते हैं। 1 किलो से लेकर आपको जैसा जितना केजी चाहिए, 20 केजी तक, 18 केजी, 22 केजी, 25 केजी, जितना भी केजी चाहिए आपको, जितना केजी के आपके पास में ग्राहक है तो वो ले सकते हैं। फिर जैसा जैसा आपके पास ग्राहक आ रहा, मतलब मेरे को ऐसा चाहिए, मेरा सर मैं आपको क्या बताऊँ, अमेरिका तक के मेरा माल सप्लायर हुआ है, मतलब पूरा बेचने के लिए नहीं, ऑर्डर आए थे मेरे को, अभी ऑर्डर है मेरे को, मैं डालता आपको, अमेरिका में भेजना है, मैं जो मेरा पूना वाला पार्टी है ना, अच्छा हाँ, उसके पास में ऑर्डर आई है तो आपको सेंड करूंगा मैं, वैसे पीस बनाकर देने का है, उसने व्हाट्सएप पे बात किया, स्क्रीनशॉट डालूंगा मैं आपको। बैंक डिटेल्स भी है क्या आपके? हाँ बैंक डिटेल मतलब पैसे भेजने के लिए? हाँ हाँ है ना सर, मैं आपको ये दूंगा ना, अकाउंट नंबर वगैरह ये वो डालूंगा ना। कब तक दे सकते हैं माल, कब तक मिलेगा तो आपको माल जो है तो आप ऑर्डर अगर ऑर्डर देंगे तो 10 दिन में माल मिलेगा आपको। थोड़ा सैंपल के लिए मैं मंगाता हूँ पहले, अगर मैं अगर आज ऑर्डर कर रहा तो कितने दिन में आएगा? सैंपल के लिए आपको कितना चाहिए रहेगा, मतलब जैसे कि 500 किलो 400 किलो ले जाने के लिए परवड़ना अपने को? कम से कम 200 से 300 किलो। देखो जो ट्रैवल से चलेगा वो भी भेजा सकता मैं आपको, 200-300 किलो भी भेजा सकता, आप जैसा बोलेंगे वैसा भेज सकता, क्योंकि नहीं क्या ट्रैवल से भेजना पड़ेगा फिर वो, तब जो 200 किलो 150 किलो मंगा सकते हैं आप, ट्रैवल्स में जा सकते हैं, तो ट्रैवल्स वाले से मैं कांटेक्ट करूंगा। आपको आपका जो तो अच्छा रहेगा इसमें, आप तो आपकी जैसा आपके पास ऑर्डर कितने के जिसके आती है, 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो तक, 12 किलो? हाँ तो वो आपको फिर मैं सेंड करता हूँ, यहाँ से बनाकर आपको बता दूंगा, पॉलिशिंग वगैरह होने के बाद में फिर वो आपको पूरा पैकिंग वैकिंग करके भेजाते हैं हम लोग। हाँ उसको और उसके साथ में पॉलिशिंग वगैरह भी भेजते हैं, जो आप जैसा हैंड ग्लव्स पहन के आपके पास में मार के ऐसा पॉलिश करके दे सकते हैं आप, एक हाथ मारना जो नहीं नहीं जैसा टच लग गया, जैसा इस ट्रैवल्स में स्क्रैच वगैरह लगते ना, हाँ तो वो आपको कुछ भी नहीं, हैंड ग्लव्स पहन के खराब निकलती तो कई सारी जगह पे क्या है, लकड़ी लकड़ी थोड़ा खराब निकलती तो उसको कवर करने के लिए क्या करते हैं? है ना हम लोग के पास में कारपेट वगैरह, हम लोग ऐसा भरते हैं उसके अंदर, वो जो थोड़ा बहुत डैमेज रहता है ना तो उसके अंदर ऐसा भरते हैं हम लोग की लकड़ी टूटेगी मगर वो नहीं टूटा निकलता है। क्या रहता वो? वो कारपेट रहता है। कारपेट? हाँ हाँ कारपेट वगैरह रहता है। क्या रहता है ये? वो गाड़ियों में उसमें यूज इस्तेमाल करते हैं, हम लोग का एक्सपीरियंस है इसमें, 14-15 साल का एक्सपीरियंस है पॉलिशिंग लकड़ी काम में। हाँ क्योंकि अभी हम लोग का फर्नीचर का ही है, ये लॉकडाउन से हमने मुद्दल का वगैरह स्टार्ट किए थे। अच्छा हाँ तो अभी मतलब ये मुद्दल अच्छा चल गया हम लोग का, तो इसी में अभी चालू है। अभी सोचो ना 500, हाँ हाँ फर्नीचर का करते हैं 500 पीस जा रहे हैं, तो उसमें समझो जो डैमेज वगैरह ये हो रहा है तो उसमें हम लोग कारपेट ऐसा लगाते ना कि आप इसको हाथ भी लगाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा नहीं हो कि डैमेज वगैरह है, ऐसा फिनिशिंग रहता है उसका। तो कंप्लेंट बताते हैं हमारे को क्रैक आ गया है हमारे को ऐसा वैसा बोलकर। नहीं 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 वो तो हम लोग जो मारते ना उसके ऊपर हम लोग, हाँ केमिकल जो मारते ना तो उससे लकड़ी क्रैक भी नहीं पड़ता है। भैया आ रहा है भैया के साथ चल जाते हैं वो देखिए तो ये आपका जो आपका क्या ऑर्गेनाइजेशन है क्या दुकान शॉप है क्या है कारखाना है? मैं आपको वीडियो कॉलिंग करूंगा, कारखाना भी है और हमारा ये शोरूम भी है जिसमें पॉलिशिंग वगैरह करके पूरा जमा करते इकट्ठा करते। क्या नाम है शोरूम? AS फर्नीचर है हम लोग का। AS फर्नीचर। AS फर्नीचर बनाऊंगा, जो बिल बनेगा मेरे को मतलब जो आप जो डिटेल्स भेजेंगे बैंक के, हाँ 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 हाँ, वो आपके नाम करेंगे या आपके फर्नीचर के नाम करेंगे? हेलो हाँ बोलो ना। आपके नाम पे ही रहेगा ना? हाँ मेरे नाम पे रहेगा सर, मेरे नाम पे ही रहेगा जी। हाँ हाँ मैं आपको पूरा डिटेल ये बता दूँ कितना माल है, कैसा बनाते हम लोग, कैसा है, या फिर आप एक बार आते होंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाता, सब टेंशन नहीं रहता। आप जैसा दुकान पर आते मेरी तो फिर आपका हम लोग का अमेजोन पे नहीं है, हम लोग की पार्टी जो है ना पूना की इधर की बॉम्बे की उन लोग का है। अच्छा वो लोग का है? हाँ उन लोग का है, हम लोग रिटेल में ज्यादा धंधा करते ही नहीं है, होलसेल ही है हम लोग का, क्योंकि औरंगाबाद में ऐसा है लकड़ी का जो है ना तो हम लोग को होलसेल में देने के लिए परवड़ता है, मतलब वन टाइम में। हाँ होलसेल में हम लोग देते है और वो जो है तो सामने आगे जो बेचते हो
तो उन लोग को कमाते फिर वो जैसा हम लोग को उन्होंने बोले हुए है कि जैसा हम लोग पुणे में है बॉम्बे में है इधर किसी और को माल देने का नहीं फ्रेंचाइजी टाइप है एकदम तो आप बेचोगे तो आपको समझ में आएगा और ज्यादातर के रोड पे लगा कर ही बेचना है इसको कोई डिटेल्स पूछते इसके बारे में कुछ वर्कआउट करके बताओ बोल के बोलते तब सॉरी मुदगर के लिए वर्कआउट करके बताओ बोलकर बोलते तब क्या करना अपन तब अपने पास जो वीडियोस रहते हैं ना मैं वीडियोस दूंगा आपको तो वो वीडियोस बताने का उनको अच्छा हाँ ऐसा मतलब इसके अंदर स्टेप है बोलना 15 या 20 स्टेप है अलग अलग जैसा आपको यूज करना है वैसा कर सकते हो आप हाँ ऐसा बताने का उनको ठीक है इंटरेस्टिंग है मैं तो सोचा था कि इसमें तो इसका इनकम इतनी रहेगी बोल के तो नहीं सोचा था मैं नहीं नहीं इनकम अच्छी है माशाल्लाह इसके अंदर आप जब बेचोगे जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसा करना पड़ेगा क्योंकि वो रोड पे आप ऑनलाइन में जाओगे तो ऑनलाइन में जल्दी जल्दी बिक्री नहीं होगा इसका हाँ आपको सिर्फ 150 रुपए किलो से ही बेचना है 160 बता के 150 रुपए 140 से भी बेचे आप तो आपका जल्दी जल्दी बिक्री होता है ऐसा कुछ भी नहीं 160 बता के 140 150 तक भी है 90 रुपए किलो 90 रुपए किलो 90 रुपए तो सुल्तान भाई बोलो ना मेरा तो चैनल है जैसे कि आप देखे सॉरी मेरा यूट्यूब पर चैनल है आप देखे होंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ तक मेरे को लगा आप रेगुलर है क्या बोले तो रेगुलर मतलब पहलवान पहलवान नहीं इतना तो नहीं है मगर जैसे अभी हम लोग फर्नीचर वाले थे हेलो हम फर्नीचर वाले थे हम लोग का प्रोडक्ट ही है मतलब हम लोग का काम है होलसेल में बेचना करना लेकर आ रहा बेटा होलसेल में देना अब तो थोड़े बहुत है माशाल्लाह फिर भी ऐसा दुबले पतले नहीं है और मैं 25 किलो का दो हाथ से मार सकता ठीक है आप मार सकते है सही बात है लेकिन अपना क्या है मालूम पूरा ट्रेडिशन प्राचीन समय से चलते आ रहा अपने पास बराबर तो इसके बारे में क्या है मैं सिखाता भी हूँ लोगों को दिलवाता भी हूँ चीज अच्छी रहता हूँ सही है समझे कई सारे लोग मुझसे लेते भी हैं हाँ बराबर इस पे कमाई करने का नहीं रहता हमारे को जहाँ तक मेरी बात बता रहा हूँ मैं कमाई इस पे मैं ज्यादा नहीं सोचता हूँ चलेगा फिर आपके हिसाब से आप बेच सकते हो उसको ऐसा सेलिंग कर सकते हो इसमें ऐसी कोई वो नहीं है आप आपके हिसाब से उसको बेच सकते हो वो कर सकते हो और यहाँ पर क्या है पूरा पक्का काम है हाँ और जो आप इसके ऊपर पेंट और पॉलिश लगा कर बेच रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको माफ करना मेरे भाई मुदगर के बारे में नॉलेज ही नहीं है असली मुदगर का शेप क्या रहता उसका कलर लगता नहीं लगता ये आपको नॉलेज ही नहीं है नहीं है बराबर है ना तो ये काम आप जितना जल्दी हो सके तो प्रोफेशन के लिए छोड़ दो ये फुटपाथ पे आने की चीज नहीं है मेरे भाई इसको हम लोग क्या करते हैं मालूम पूजा करते हैं हाँ बराबर है अखाड़े में ताली में पूजा नहीं, करते नहीं, हैं जब हम लोग बेचते हैं ना भाई जब हम लोग देते हैं ना तो सामने वाले जो है ना उसको ले जाकर पहले पूजा करते है बाद में यूज बेचरे गवर्नमेंट से अपन धोखा कर रहे ये काम भी अपने से नहीं होता सुल्तान भाई कौन सा फुटपाथ पे लगा के जैसा बोले 25 लाख का फायदा हुआ 30 लाख का फायदा हुआ इतने टनों से अपनी बिक्री हो रही बराबर ये चीज आपको आपका किस्मत आपकी किस्मत से आपको चल गया बराबर है समझ रहे ना सही बात है ना इसके बारे में आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है समझ रहे आप मेरी बात तो आप क्या चाहते हैं कैसा बेचना है इसको भाई मेरे पहले आप सीखो देश की सेवा करो यार देश के लूटो मत नहीं देश की सेवा ही कर रहे ना देश की सेवा क्या नॉलेज है जैसा इससे पहले अगर जैसा हम लोग नहीं लगाते थे दुकाने तब घर में मुद्दल नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ अखाड़े में तो था अरे अखाड़े के हद तक ठीक है जब हम लोग ने बेचना चालू करे ना तो हर घर में मुद्दल हुआ तो सब लोग वर्कआउट करना चालू करे नहीं तो कोई भी नहीं करता था वर्कआउट करना चालू करे आप तो बोल रहे हैं घर में जाके शोपीस की तरह लगाते हैं हमारे कस्टमर क्या लगाते हैं दूर से दिखता है हमारे को हाँ शोपीस भी रखते हैं और उसको यूज भी करते हैं बात बताइए ये शोपीस की चीज़ है क्या ये कौन सी
जो मुदगर है वो शो पीस हाँ, हाँ, हाँ रखते हैं मतलब अलग अलग डिजाइन में भी है ना कि रखने वालों को रखने दो भाई, मेरे से ऐसा धांधलबाजी नहीं होती। अच्छा आपका मैं पूरा वीडियो सभी यूट्यूब पर डालता हूँ। मतलब आप जो आपका अभी बताए ना मेरे को मुदगल के बारे में जो नॉलेज जो ज्ञान प्रदान करे आप, हाँ ये अभी मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पर, लिंक भेजता हूँ आपको, शेयर करता हूँ, देखिएगा। मतलब धांधलबाजी आप रुकिए 10-15 मिनट में यूट्यूब पर डालकर आपको लिंक भेजता हूँ। तो मतलब काय के लिए आप तो मतलब गलत किया, गलत बात किया क्या मैंने? गलत ही कर रहे हो यार आप। कैसे क्या गलत ही कर रहे हो? आपको नॉलेज ही नहीं है मुदगर के बारे में, लोगों को बोरे की अरे सर आप ये मेरे को ये बताओ, जैसा कि ये देखो जैसा कि अगर मुदगल अगर हर घर में नहीं होता था, जितने भी घर में लेकर गए तो सब लोग वर्कआउट कर रहे हैं ना उससे। देखो उसे यार कितने लोग परेशान हो रहे हैं। देखो सुनो सुनो सर, अभी लॉकडाउन में जो है ना, तो 3 साल भी नहीं चलता, लॉकडाउन में क्या हुआ था मालूम क्या, पूरे जिम वगैरह ये वो बंद थे, किसी का वर्कआउट नहीं हो रहा था और सब कोरोना में इसमें उसमें परेशान थे, बीमारी से परेशान थे, घर में परेशान थे। तो हम लोग मैंने जब ये चीज ये हेलो ये चीज निकाले थे हम लोग का, वो भी है मेरे पास में यूट्यूब से, आप बोल रहे यूट्यूब में डालूंगा मैं, इसमें डालूंगा मैं, आपको पूरी यूट्यूब की डिटेल भेजता, मेरे पूरे जितने भी यूट्यूब के ये आए हुए है ना प्रोग्राम, ये मतलब मेरा इंटरव्यू हुआ ना वो डालता मैं आपको, पहले देखो आप, उसके बाद में इल्जाम लगाओ। इल्जाम लगाना नहीं, नहीं लगाना, इल्जाम सुनो सुनो सुनो, आप बोल रहे ना मतलब मेरे को धमकी दे रहे हैं जैसा कि मैं व्हाट्सएप पे डालूंगा। नहीं नहीं सुनो सुनो, आपके बोलने का मतलब क्या हुआ, 15 मिनट में देख लो आप आपका क्या डालता हूँ मैं आपको, मेरा डिटेल डालता हूँ कि मेरे से पब्लिक कितनी खुश है। सुनो सुनो, मेरे से पब्लिक अमेज़न भी नहीं है हमारा, सुनो सुनो बोलकर आप बोल डाले। हाँ सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने सारे कंप्लेंट्स आते हैं मेरे को कि मुदगर हमारे को खराब मिला, 1.5-2 साल में हमारा लकड़ी के अंदर से खराब हो गया ना। नहीं नहीं वो हम लोग का वो काम नहीं है सर, सुनो मेरी बात, कौन और जो मैं डिटेल डालूंगा आपको, मुदगर को पेंट और पॉलिश लगाना, पेंट और पॉलिश नहीं, देखो पॉलिशिंग जो रहती है ना लकड़ी, लकड़ी बैकग्राउंड, लकड़ी का मायने जो रहता है, आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपका फर्नीचर का काम है। फर्नीचर आप बोलो ना, आपको जैसा वो लग रहा ना जैसा आप पहलवान है और आपकी जो बिक्री होती हम लोग की वजह से खराब हो रही है, आप वो बोल सकते? नहीं 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 हाँ सुनो सुनो, हमारे सवाल मेरे को मत सिखाओ, सुनो मेरे को मत सिखाओ, मैं जो है ना तो मैं आपको कैसा है अच्छे से बता रहा था, और आपने जो बात की है ना गलत की है, आपको नहीं लेना है आप बोल सकते थे, उसको धमकी बोल आप क्या बोल रहे मेरे को, बोले मैं यूट्यूब पे आपका मतलब डालता हूँ ये डालता हूँ, मैं आपको मेरा यूट्यूब का डालता हूँ कि पब्लिक मेरे से कितनी खुश है। चलो डालिए देखिए, ठीक है चलो डालो।